जगमोहन सिंह पट्टी एडवोकेट यूट्यूब चैनल आई थोड़े लिए एक नवी सांझ नवी सवेर किमें परिवारों में चलती है उसकी गल उसकी बात उसकी तो तुहानू मैं एक दिखा दिना परिवार किमें खुशी नाल जा रहा है सड़क के उत्ते और छोटा बच्चा भी नाल है तो दो तीवियां नाल एक बच्चा तो एक मुंडा नाल है तो एक उन्होंने कोई बड़ा सज्जन बुजुर्ग भी नाल है वो तो देख लिया इन परिवारों की सांझ किमें बनती है तो किमें टुटती है। अज एक गल कर लग्या एक माँ प्यो दियाँ दो धियां तो वो दो धियां वाले माँ प्यो किमें तो किस हिसाब न रेंदे है ये गल तुहाडे विचार लई करन लग्या। अज मैं भैन जी नूं बेनती की है जरा भैन जी फिर तुसीं आ जाओ तो इहदे उत्ते अपने तजर्बियां दी जिहड़ी मिठी छां माननी है तुसीं इस टीवी छां जिहड़ी है साडे दर्शकां तक पहुँचाओ। भैन जी सति श्री अकाल जी। अज आप गल करते हैं जिन्हें माँ प्यो के घर च दो धियां हो जाए जो पहली धी होंगी ना तो हर माँ बाप एक खुशी मनाते हैं कि साढ़े घर एक बच्चा आया बेटी आई है बहुत वधिया होया। पर जो दूजी धी होंगी है ना तो समाज इस चीज़ को करना शुरू कर दिता है कि ओहो तेरे ते दूसरी भी बेटी होगी एक बेटा होना चाहिए सी पर जे परिवार दे विच दो बेटियां ही रह जांदियां ने माँ प्यो उन्हां दी परवरिश करदे ने बच्चियां वड्डियां हुंदियां ने ते जे व्याहियां भी जांदियां ने ते उन्हां दे माँ प्यो नूं कदी इह समस्या नहीं आंदी हैगी कि जी साडी प्रॉपर्टी जिहड़ी आ प्रॉपर्टी पिछे कोई लड़ाई नहीं हुंदी उन्हां दी उह दोनों बेटियां माँ प्यो दी सेवा लई लैंदियां ने जदों माँ प्यो नूं लोड़ पैंदी आ उन्हां दे नाल आ के खड़दियां ने उन्हां दे नाल सेवा करदियां ने तो कई बार उन्होंने अपने नाल भी रख दिया ने ते कई बार इस तरह भी होंगे मैं कई परिवार इस तरह के भी देखे जिन्होंने दे ना बेटी ने दूसरी बेटी ने या वड्डी बेटी ने विआह ही नहीं करवाया कि असी अपने पेरेंट्स की संभाल करनी तो वो पेरेंट्स जोड़े है उन्होंने कभी इन दिक्कतों का जो शुरू के उन्होंने दिक्कत देखिया ना कि जी बेटा नहीं है बेटा नहीं है समाज के उन्होंने सुनने को मिलता स पर जदों वो अपने बुढ़ापे च या अपनी वड्डी उम्र च जाते हैं तद उन्होंने पता लगता है कि इन्हां बेटियां का की सुख है दोनों बेटियां उन्हां दा ध्यान रखदियां ने उन्हां नूं कदी प्रॉपर्टी का लालच नहीं हुंदा वो अपने माँ बाप का पूरा ध्यान रखदियां सेवा करदियां संभाल करदियां यही जे किसी के दो बेटे हुंदे हैगे ने ते जदों पहला बेटा हुंदा ना बड़ी खुशी मनाई जाती है लो जी लो बेटा हो गया लोहड़ियाँ पाइया जाने सब कुछ किया जाता है। खैर अजक लड़किया की भी लोहड़ी पैनी शुरू हो गई पर बेटिया की बड़ी खुशी मनाई जाती है लो जी पहला बेटा हो गया तुम हूँ बेफिक्र हो गए तो जो दूजा बेटा हो जाता तो फिर तो पुठिया छलांगा मार लेंगे ने कि जी साढ़े तो घर दूजा बेटा हो गया वो बेटे व्डे होंगे ने तो सब तो पहले जी दिक्कत आके खड़ी होंगी पहले तो विह तो फिर उन्होंने दोनों एको घर रखना तो फिर उस तो बाद आ जाता हैगा कि जो माँ प्यो बुढ़े हो जाते हैं तो वड्डा भरा कहिंदा छोटे तू रख तो छोटा कहिंदा वड्डे तू रख माँ प्यो विचारे जिहड़े हुंदे आ ना तुसीं बागबान भी देखी होनी है यही चीज़ हुंदी है एक माँ मेरे कोल एक प्यो तेरे कोल ते ओ चीज़ां सच्चाई हैगी है साडी समाज की कि बेटे माँ प्यो नूं धक्का मारदे ने कि तू उहदे कोल जा छोटे कोल जा ते छोटा कहिंदा तू वड्डे कोल जा फिर सब तो वड्डा मसला जिहड़ा दोनों बेटियां दे माँ प्यो दे कोल खड़ा हुंदा हैगा प्रॉपर्टी का जे वड्डा भरा थोड़ा जिहा ज़्यादा चलाक है तो वह कहिंदा सारी प्रॉपर्टी मैनू दे दो छोटे नूं कुछ ना मिले तो छोटा कहिंदा मैनू घट्टो घट्ट बराबर तो करो बराबर नहीं करना थोड़ा घट तो करो मैनू करो तो सही मैनू कुछ तो करो तो लड़ाइया झगड़िया दे विच ते कई बार केसां दे विच माँ प्यो की सारी जिंदगी निकल जाती है तो वह बेचारे यही सोचते रहते हैं कि बेटे जिंदगी दे विच वधिया हुंदे ने कि बेटियां जे कि नाल दे परिवार च दो बेटियां होन ना तो कंपैरिजन नैचुरल हो जाता है कि उन्हां दीआं बेटियां वह कहिंदी मैं मम्मी पापा नूं देख लूँ तू अपना घर परिवार देख लै दूजी कहिंदी मैं देख लूँ कई बार कोई बेटी विआह ही नहीं करवाती कि जी मैं तो अपने पेरेंट्स की संभाल करनी है उदों सानूं समझ आता कि बेटियां दी समाज दे विच की अहमियत है जिन्हां बेटियां नूं असीं दुत्कारदे आ जिन्हां बेटियां दी असीं संभाल नहीं करदे जिन्हां बेटियां नूं असीं प्यार नहीं दिंदे उह बेटियां साडे जीवन दे विच साडे हर दुख सुख दे विच साडा साथ दिंदियां
जद के बेटे अपने परिवारों में मस्त हो जाते हैं, अपन नौकरिया च, अपने दोस्तों च, अपनी फैमिली दे विच। सो समाज दे विच जिथे बेटे की जरूरत है, सानू इस चीज़ को समझ की बहुत लोड़ है कि उत्थे बेटिया की भी जरूरत है। जिनी एक बेटी अपने माँ प्यो का ख्याल रख सकती है, उन्ना कोई होर नहीं कर सकता। सो प्लीज़ बेटिया नू सत्कार दो, प्यार दो, इज्जत दो, समाज दे विच जीवन का अच्छा मौका दो, जिंदगी च आन दो। ये ना करो, भ्रूण हत्या ना करो। बेटिया नू समाज नू बेटिया की बहुत ज़्यादा जरूरत है। सो कृपा करो कि जी बच्चियां नू जेड़ा हैगा बच्चियां दी नज़र नाल देखो, बेटा बेटी दी नज़र नाल ना देखो। जे किसी दे एक बेटा है ना, तो उहदी सोच ये होनी चाहिए है कि मेरे दूजी बेटी होनी चाहिए है, ताकि संतुलन बनिया रहे। रब ने संतुलन बनाने दे लई दिन बनाया सी, पर रात भी बनाई। जे धुप दित्ती ते छां भी दित्ती है। सो परमात्मा ने हर चीज़ का संतुलन इस तरह बनाया, तो तुसी किस तरह सोच लैंदे हो कि साढ़े समाज का संतुलन सिर्फ बेटिया नाल हो सकता है। साढ़े समाज नू बेटिया की भी जरूरत है। सो इस चीज़ नू ना सोचो कि जी मेरे दो बेटिया ने या मेरे तीन बेटिया ने या ओदे दो बेटे हो गए तो ओदी इज्जत ज़्यादा तो मेरी इज्जत घट है। वक्त सब कुछ सिखा दिंदा है, बेटिया नू भी इज्जत दो, प्यार दो। बेटिया नू भी ये चीज़ समझाओ, सिखाओ कि जी परिवार दे विच जिस तरह मैं पहले भी कहनी हुंनी हां कि घरदारी सिखाओ, उन्हां नू भी जिम्मेवारियां सिखाओ कि जी किस तरह संभाल करदी है। असीं बेटियां नू तो सब कुछ सिखाने हां कि माँ प्यो का ख्याल रखना। जे भैन वड्डी हैगी है तो छोटे भरा का ख्याल रखती पई है या छोटे भरा भैन की संभाल करती पई है, पर जे बेटा है तो वह खेडन भज्जिया रहिंदा बाहर। सानू असीं उहनू ये चीज़ां नहीं सिखाते कि जी तू घर दे विच मम्मी की मदद करनी है या अपने छोटे भैन भरा की देखभाल करनी हैगी है या उहदा साथ देना या उहदा ख्याल रखना। सो प्लीज़ सारे जने मिल के समाज दियाँ जिहड़ियाँ ये चीज़ां साढ़े दिमागां दे विच वसियां होईयां कि बेटे बड़े अच्छे होंदे ने ते बेटियां नहीं, बेटियां भी उन्नियां ही अच्छियां। जे असीं बेटियां तो ये चीज़ चाहते हैं ना कि कल नूं उह प्रॉपर्टियां छड्ड के साडा ख्याल रखन, तो फिर सानूं बेटियां नूं भी बेटिया की तरह ही पालना चाहिए। सो कभी भी यह ना कहो मेरी बेटी बेटिया वर्गी है, नहीं, मेरी बेटी मेरी बेटिया वर्गी है, मेरा बेटा मेरे बेटे वर्गा, ठीक है ना। सो दोनों बच्चों इको जी परवरिश दो, इको जे ख्यालात दे नाल पालो। जे अज बेटिया वाले सुखी है तो जे असी अपनी सोच नू बदलांगे तो कल नू बेटिया वाले भी सुखी हो जाएंगे। शुक्रिया। जग जननी आ के तुहाडे परिवार दे विच नूह बन के आती है ते परिवारक वादे करती है। ते जदों प्यो तोड़दा उहनू अपने घरों ब्याह करके तोड़दा उहनू, ते उहदे जिहड़े प्यो दे अथरू ने उह किसे ने नहीं देखे होंदे किन्ने कु उहदे छलक जांदे ने, और जिन्ने कु छलक जांदे ने अथरू शायद सारी उम्र उहदे अखीरले साह तक छलकदे ने ये अथरू उहदे। ते इक गल तुहानू होर भी दस्सदा, तो ये एक पंजाबी फोकलोर का एक बड़ा अच्छा एक सेंटेंस मैं तुहानू सांझा करन दा यतन कर रहा। एक इट पुटा दे धीए घर जा अपने, ये इहदा एक मीनिंग है। मैं ज़्यादा वड्डा संदेश नहीं दे रहा तुहानू, एक छोटा जिहा संदेश दे रहा। धीआं नू प्यार करो, धीआं दा सत्कार करो। गल्लां इन्नियां ही, मेरी ये वीडियो तुहानू अच्छी लगी है इस नू शेयर कर देना, यूट्यूब चैनल तो देखो ते मेरे चैनल नू सबसक्राइब कर देना, वध तो वध सबसक्राइब करना। परिवारां दी सांझ, परिवारां दी शान, धीआं दे नाल गल्लां इन्नियां ही, ज़्यादा नहीं, इस नू हर घर दे विच पहुँचा देना। सत श्री अकाल।